भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने शनिवार को धोनी की टीम से ली गई लंबी छुट्टी पर सवाल उठाए हैं। धोनी ने आईसीसी विश्व कप 2019 में भारत को सेमीफाइनल में मिली हार के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है। यहां 26वें लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर में गावस्कर ने कहा कि वो धोनी की फिटनेस के बारे में नहीं कह सकते। गावस्कर ने कहा कि मैं फिटनेस के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि सवाल धोनी को खुद से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 जुलाई के बाद से उन्होंने अपने आप को चयन के लिए उपलब्ध नहीं बताया है, ये अहम बात है। क्या कोई इतने लंबे समय तक अपने आप को भारत के लिए खेलने से दूर रखता है? ये सवाल है और इसी के जवाब में छुपा है। धोनी विश्व कप के बाद से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह ऋषभ पंत को टी20 विश्व कप में भारत के मुख्य विकेट कीपर की भूमिका में रखा जा रहा है। संजू सैमसन भी लगातार टीम का हिस्सा है। वो पुणे में शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए आखिरी टी20 मुकाबले में भी खेले थे। गावस्कर ने कहा कि रणजी ट्रॉफी में अनकैप्ड खिलाड़ियों को भत्ता बढ़ना चाहिए ताकि आईपीएल को एक अलग तरीके का प्लेटफॉर्म मिले। लिटिल मास्टर ने यह भी कहा कि आईपीएल रणजी ट्रॉफी पर भारी है, जब तक मैच फीस में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा रणजी ट्रॉफी को भारत के एक अनाथ बच्चे की तरह समझा जाएगा। गावस्कर ने यह भी कहा कि मौजूदा समय में बीसीसीआई को अब रणजी ट्रॉफी पर भी ध्यान देना चाहिए। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।